हेलो दोस्तों, बात करते हैं एजेंसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। ₹55.80 का स्टॉक हो चुका है हमारा। लगातार एक गिरावट का माहौल देखने को मिला था पिछले हफ्ते में भी, हालांकि एक अच्छी लेवल टेस्टिंग भी हुई है यहां पर ₹58 का, और स्टॉक में एक अच्छी तेजी की भी उम्मीद कर सकते हो जिस तरह की खबरें आना स्टार्ट हुई हैं। डिलीवरी परसेंटेज में भी एक उछाल देखने को मिला है यहाँ पर। अगर आप लगातार देखोगे तो लगातार यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज में भी एक अच्छा उछाल सामने आया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हफ्ता हमारा कैसा रहने वाला है, क्या कुछ बड़ी खबरें आई हैं हमारे सामने। आप देखेंगे तो एसेट क्वालिटी को लेकर एक बैंक ने एक स्टेटमेंट दिया है, काफी बढ़िया चीजें हुई हैं। 10% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है, रिटेल कस्टमर में एक अच्छा उछाल देखने को मिला है। तो वो सारी चीजें बात करेंगे। स्टॉक इस हफ्ते हमारा बुलिश रहने वाला है, बेरिश रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है इस हफ्ते में हमारा, क्या यहाँ पर खरीदारी करना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है यहाँ पर या नहीं, अगर खरीदारी करते हो तो कितना टारगेट लेकर के चलो आप। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के पिछले हफ्ते के चार्ट की, तो देखिए लोअर साइड से हमारा स्टॉक स्टार्ट हुआ था 53-54 रुपीज से लगभग, और वहां से 58-59 तक हमारा स्टॉक टच किया था, 58 रुपीज मोस्टली। ठीक है, एंड देन वहां से दोबारा गिरावट हुई, 55 से ऊपर की क्लोजिंग यहाँ पर आई है। तो लगभग एक ठीक ठाक क्लोजिंग यहाँ पर आई है। अगर आप वीक को कंपेयर करोगे तो हमारा पॉजिटिव वीक रहा है जैसा हमें उम्मीद भी थी, और 1-2% 3% के आसपास की भी अगर उछाल यहाँ पर एट दी एंड ऑफ द वीक आई है तो ठीक है। इस गिरावट के माहौल में एटलीस्ट आप देखोगे तो एक ठीक ठाक मोमेंटम हमारा बना है। यहाँ पर मैं आपको अगर बताऊं तो ये था हमारा लेवल जहाँ हमारा वीक स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पर हमने अब अपना वीक एंड किया है। ठीक है, इस लेवल पर तो एक चीज तो तय है यहाँ पर कि थोड़ा सा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। इस हफ्ते में क्या होने वाला है उसकी भी बात करेंगे हम उस खबर के बाद। बट आप देखिए कि लास्ट वीक में थोड़ा सा सुधार सिर्फ स्टॉक में ही नहीं, मार्केट में भी हमें थोड़ा सा सुधार देखने को मिला था। इसी के साथ साथ FIIDI का डेटा भी अगर आप पिछले एक हफ्ते का चेक करोगे तो FIIs ने भी 2900 करोड़ का माल खरीदा था, और साथ ही साथ DII ने भी 3700 करोड़ का माल यहाँ पर खरीदारी की है। तो लगातार एक अच्छी खरीदारी हुई है बाजार में, और उस खरीदारी के ऊपर ही मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि अगर खरीदारी इसी तरह से चलती है, इसी तरह की खरीदारी आने वाले दिनों में भी आती है, तो वहां से एक अच्छी रैली की उम्मीद ना ही सिर्फ मार्केट में आएगी बल्कि IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड में भी आएगी। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं कि क्या यहाँ पर होने वाला है इस हफ्ते में, क्या कुछ बड़ी खबरें हैं हमारे सामने। तो पहली खबर है ये हमारे सामने कि IDFC फर्स्ट बैंक मार्च क्वार्टर अपडेट हैज गिवन सम क्रेडेंस टू इन्वेस्टर्स होप्स ऑफ अ स्ट्रॉन्गर बिजनेस ग्रोथ फ्रॉम द बैंक। ऑन वेडनेसडे द लेंडर रिपोर्टेड दैट इट्स लोन बुक ग्रू एट अ ब्रिस्क 10.09% फॉर फाइनेंशियल ईयर 21, मच हायर देन द इंडस्ट्री ग्रोथ। इंडस्ट्री ग्रोथ से काफी ज्यादा हाई ग्रोथ इनकी हुई है, जो कि एक अच्छी खबर है। देखो, जब भी बैंक हो या फिर कोई और कंपनी हो उसमें एक अच्छी खबर आती है तो उसका जो असर है वो भले ही तुरंत ना पड़े जैसा मैं हमेशा कहता हूं, पर क्योंकि उसके लिए उस कंपनी ने उस बैंक ने काफी मेहनत की होती है तो जो उसका रिजल्ट है उसे क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखने को मिलता है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी उसके मार्जिन रेवेन्यू पर देखने को मिलता है। वही एक चीज यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी, क्वार्टरली रिजल्ट्स बस अनाउंस होने ही वाले हैं, और उससे पहले स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा न्यूट्रल जोन बनता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद यहाँ पर एक अच्छी रैली आने की उम्मीद होगी आपके सामने, उसी रैली का आपको इंतजार करना है यहाँ पर। द फैक्ट दैट मच ऑफ दिस वाज ड्रिवन बाय रिटेल इज अनदर पॉजिटिव फॉर इन्वेस्टर्स। आपको पता है कि IDFC फर्स्ट बैंक कैपिटल था पहले, मतलब यहाँ पर वो लोग बड़ी काम करते थे, रिटेल इन्वेस्टर पर उतना फोकस नहीं रखते थे, बट जब से वैद्यनाथन साहब आए हैं उन्होंने रिटेल बैंकिंग बना दिया इस बैंक को, जो कि काफी फायदेमंद रहा है ना ही सिर्फ बैंक के लिए बल्कि इन्वेस्टर्स के लिए भी। तो यहाँ पर रिटेल बिजनेस जो है वो बैंक का वो 10% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ यहाँ पर आया है, लोन बुक 10% से ज्यादा की बढ़ी है इनकी फाइनेंशियल ईयर 21 में, तो ये बहुत ही बेहतरीन बात। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं, उससे पहले ऐसी खबर आई है, और इस खबर के बाद आप देखेंगे कि मार्केट में एक अच्छी रैली की उम्मीद आप यहाँ पर कर सकते हो। रिटेल एसेट फॉर्म 67% ऑफ टोटल एसेट फॉर द बैंक एज ऑफ मार्च, तो ऑफ कोर्स Some of this increase is also through purchase of priority sector portfolio from other lenders. कह रहे हैं कि कुछ इसमें जो हिस्सा है 67% of total lending का, उसमें से कुछ हिस्सा इन लोगों ने buy किया है priority sector portfolio से, यानी कि दूसरे लोगों से buy किया है, जैसे कुछ कर्ज था मेरा और कुछ कर्ज आपका है तो मैंने अपना कर्ज बेच दिया आपको कि आप इनसे वसूल कर लेना, मुझे थोड़े से कम पैसे दो इस कर्ज से, तो वैसा भी काम किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने थोड़ा बहुत इसमें से। बट स्टिल यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ लोन बुक में देखने को मिली है, और ज्यादातर हिस्सा जो है वो 67% लगभग वो रिटेल बिजनेस से आया है, तो ये काफी पॉजिटिव खबर है जिसका असर हमें इस हफ्ते में देखने को मिलेगा अपने स्टॉक प्राइस पर और स्टॉक मार्केट में भी। आप देखिए कि ये एक अच्छी खबर है हमारे सामने जिसका असर हमें मिलेगा। दूसरी क्या चीज खबर है, अगर टेक्निकल पैटर्न की बात करें तो टेक्निकल चार्ट हमें बहुत अच्छे नहीं देखने को मिलते हैं। टेक्निकल चार्ट में एक न्यूट्रल जोन जरूर बना है यहाँ से गिरावट, और इस गिरावट में जब था हमारा मार्केट तो स्टॉक भी हमारा लगातार एक गिरावट में देखने को मिला था।
अब आप देखोगे तो धीरे धीरे करके ये न्यूट्रल जोन की तरफ जा रहा है, तो स्टॉक भी हमारा इसी जोन के बीच में आप देखिए कि अटका हुआ है। ये जो सपोर्ट हमने बात की थी पिछले हफ्ते में भी कि 54 रुपए का हमारा एक सपोर्ट यहाँ पर लगेगा, वो सपोर्ट मिला है इस स्टॉक और उसके ऊपर अब हमारा स्टॉक निकल चुका है। तो धीरे धीरे करके यहाँ पर एक अच्छी रैली जरूर बन रही है और उस रैली में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि देखो होता क्या है कि अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि जब मार्केट हमारा डाउन साइड पे होता है तो बाइंग नहीं करते हैं, जब हमारा अपर साइड में आ जाता है तब बाइंग करते हो आप और वहां से मार्केट गिर जाता है। बहुत सारे मेल हमारे पास आए थे कि 67 पर बाइंग है, 68 पर बाइंग है, 69 पर बाइंग है और वहां से मार्केट फिर डाउनवर्ड आ गया है, अब 55 पर चल रहा है तो काफी लॉस में हो। तो वो नहीं करना है, जब हमारा मार्केट डाउन साइड पर होता है तभी आपको बाइंग करनी है, तभी आपको खरीदारी करनी है और इस लेवल पर अगर आप खरीदारी करते हो तो एक अच्छा प्रॉफिट आपको बनेगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि लगातार डिलीवरी परसेंटेज में एक इंक्रीज देखने को मिला है, मतलब ये है कहने का 6 अप्रैल को 29% मात्र 29% ठीक है, और शेयर्स ट्रेडेड 42 मिलियन, उसके बाद 31% और शेयर्स ट्रेडेड 59 मिलियन, उसके बाद 42% और 58 मिलियन, और उसके बाद 9 अप्रैल को 18 मिलियन शेयर्स यहां पर ट्रेड हुए हैं और 46% की डिलीवरी यहां पर हुई है। तो लगातार जंप इन डिलीवरी है और जब भी डिलीवरी में जंप होता है इसका साफ मतलब है कि हमारे स्टॉक में एक अच्छी रैली बन रही है। आपको ये तो नॉर्मल चीजें हैं, देखो ये चीजें ना बहुत नॉर्मल है, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर डिलीवरी परसेंटेज हमारा बेहतरीन है उसका मतलब है कि मार्केट में अब एक अच्छी रैली की उम्मीद आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, IDFC के टेक्निकल चार्ट पैटर्न हमारे थोड़े से वीक जरूर देखने को मिलते हैं, MACD हमारे समय पर बेरिश जोन में है, न्यूट्रल जोन में कह सकते हो आप इसे। RSI की बात करें तो 42-43 का RSI है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जरूर है इसमें, बट स्टॉक अभी भी हमारा थोड़ा सा वोलेटाइल अंडर कॉन्फिडेंस रहने वाला है, अंडर प्रेशर रहने वाला है, यानी कि अंडर 60 रुपीज हमारा ट्रेड करने की उम्मीद आप यहाँ पर कर सकते हो अंटिल और अनलेस मार्केट से हमें बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल जाए। लास्ट के 2 दिनों में मार्केट ने कोई बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं दिखाया था और लास्ट के 2 दिनों में मार्केट में गिरावट हुई थी, IDFC फर्स्ट बैंक के स्टॉक में गिरावट हुई थी। तो इस हफ्ते अगर हमारा मार्केट एक अच्छी रैली दिखाता है तो हमारा स्टॉक भी एक अच्छी रैली के साथ 60 रुपीज का जो हमारा बैरियर है वो क्रॉस करता हुआ देखने को मिलेगा। डाउन साइड पे आपको 54 रुपए का ही सपोर्ट आपको यहाँ पर लेकर के चलना है। अगर खरीदारी करनी है तो लॉन्ग टर्म के लिए करो, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी एंटर मत होना इसमें। शॉर्ट टर्म के लिए बाय करोगे तो मार्केट वोलेटाइल है, IDFC फर्स्ट बैंक हालांकि स्ट्रॉन्ग है फिर भी वो न्यूट्रल जोन में रहने की आप उम्मीद करो यहाँ पर। ठीक है, अगर मार्केट हमारा सपोर्ट नहीं करता है तो ये स्टॉक हमारे न्यूट्रल जोन में रहेगा अंटिल और अनलेस मार्केट सपोर्ट करे और स्टॉक हमारा शूट अप करेगा। ठीक है, तो एटलीस्ट अगर आपको बाय करना है तो थोड़ा सा टाइम होराइजन लंबा लेकर के चलो, यानी महीने 2 महीने का, कम से कम टाइम होराइजन 2 महीने का लेकर के चलो यहाँ पर, तभी आप इस स्टॉक से 5-10%, 12-15% बना सकते हो ऐसा। ठीक है, तो आप देखो कि मार्केट पर थोड़ी सी नजर रखनी है आपको, कोविड केसेस लगातार तेजी पकड़ रहे हैं, तेजी में है, 1.5 लाख से ज्यादा केसेस हमारे सामने रोज आ रहे हैं, लॉकडाउन भी लगा दिया गया है, तो हालांकि इतना मैटर नहीं करता है स्टॉक मार्केट में इस समय पर ये चीजें, बट स्टिल यहाँ पर अगर लॉकडाउन ज्यादा मेट्रो सिटीज में लगाया जाता है जैसे मुंबई में लग गया है यहाँ पर, तो अगर और भी सिटीज में लगाया जाता है तो प्रॉब्लम होगी आपके सामने और उसका सीधा असर हमें मार्केट पर देखने को मिलेगा और यहाँ से फिर IDFC फर्स्ट बैंक भी हमारा न्यूट्रल जोन में बने रहने की उम्मीद आप करोगे। ठीक है, तो मार्केट पर रखनी है नजर, पॉजिटिविटी के साथ बाजार में उतरिए इस हफ्ते में, अगर बाजार पॉजिटिव रहने की मोस्टली उम्मीद है, मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी यही कहती है कि 70-80% चांसेस है कि मार्केट हमारा पॉजिटिव जोन में रहने वाला है और वही एक प्रोबेबिलिटी हमारी IDFC फर्स्ट बैंक में भी है। ठीक है, तो बात करेंगे हम आगे, आप देखिए कि बुलिश रन में हमारा स्टॉक रहने वाला है, 60 रुपए का टारगेट लेकर के बाजार में उतरिए, 54 रुपए का यहाँ पर सपोर्ट रहेगा हमारा। खरीदारी करनी हो तो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए करना, शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री मत लेना यहाँ पर, एंड यस लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना, क्या है आपकी स्ट्रेटजी प्लीज कमेंट करके शेयर कीजिए हमारे साथ। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड कुछ पूछना तो प्लीज कमेंट करो, सभी कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, थैंक यू।